व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक रिएक्शन वीडियो। गाइस, इस वीडियो के लिए मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि लक्ष्य चौधरी ने अपने किसी वीडियो के अंदर यो हनी सिंह के बारे में कुछ गलत बोला है। एंड हाँ, पहले भी एक दो बार सुनने में आया था कि यो हनी सिंह के बारे में कुछ बोला गया लक्ष्य द्वारा। तो लेट्स चेक इट आउट। मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है वीडियो, तो मैं पहले तो इग्नोर कर रहा था बिकॉज ऐसे यार देखने का कोई लॉजिक बनता नहीं। बट स्टिल मेरे को इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे को देखना ही पड़ेगा, तो एक बार देख लेते। और हाँ यार, सीरियसली मुझे वैसे एक्सपेक्टेड कम है कि हनी सिंह के बारे में बोला होगा कि इतना सीरियसली बोल दिया हो। मतलब देखते हैं एक बारी। रोस्टिंग यार, रोस्टिंग तो मजाक में होती है मोस्टली, जहाँ तक मैं मानता हूँ। कोई ऐसी चीज़ बोली होगी नहीं। लेट्स चेक इट आउट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो बड़ी जल्दी। और बहुत सारे गिवअवेज अनाउंस होने वाले हैं और 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम हिट करने वाले हैं, तो गाइस जल्दी करवा दो यार। देखते हनी सिंह भाई पहले इंडस्ट्री से गायब हुए, फिर उन्होंने 2.0 कमबैक किया, यहाँ तक सही है। उसके बाद फिर गायब हुए, फिर उन्होंने 3.0 कमबैक किया। उस अभी करना है 3.0 कमबैक। 3.0 वो इज द एल्बम जो आ रही है, तो वो नहीं हुआ है। के बाद चले नहीं, तो फाइनली हनी सिंह भाई ने अपना 4.0 कमबैक किया है, वो भी काफी किफायती गाने के साथ। अब इस वाले कमबैक में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि पहले हनी भाई करोड़ों की गाड़ियों के ऊपर गाने बनाते थे, तो इस बार हनी भाई ने बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी के ऊपर गाना बनाया। ये कौन सी खबर है भाई? सो गाइस, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हनी सिंह 4.0 आ रहा है एट 144 पिक्सल। इसका मुझे पता नहीं क्या खबर है, ये अभी पता चलेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 15 अप्रैल को हनी 3.0 का पहला गाना नागन आ रहा है, तो वो हम जरूर करने वाले हैं रिएक्ट। ये क्या आइटम है? हनी सिंह गोलगप्पे ओवरडोज के बाद, जिस उम्र में मेरा बाप मुझे सिर्फ अप्सरा की पेंसिल खरीदने के ऊपर कुत्तों की तरह मारता था, उस उम्र में बच्चा बाप से थार मांग नहीं रहा बल्कि जबरदस्ती कर रहा है। लेनी मुझे थार नजीब नकार, थार का नशा मुझे थार का बुखार, थार का नशा। अच्छा, कंटेक्स्ट दिया है लक्ष्य ने, और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस टाइम फीवर है। बस कंटिन्यूटी है कि मेरे को वीडियो बनानी थी तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं है। यार बस हो गया, आज बोला भी नहीं जा रहा है। कंटेक्स्ट दिया है मेरे हिसाब से, और कुछ हनी सिंह के बारे में कोई पर्टिकुलर नहीं लगा मुझे ऐसा। ठीक है यार, दे दिया होगा रेफरेंशियल ही ओके। और क्लिक बेट के लिए यो हनी सिंह का नाम डाल देना परफेक्ट इनफ, जब चली रही थी कॉन्ट्रोवर्सी तो यूज़ कर लिया ना भाई ने। टायर की रबड़ सूंघेगा क्या बैठ के, या थार के मेट को ब्रेड के बीच में रख के खाएगा, थार के मोबिल ऑयल का इंजेक्शन लगाएगा क्या? थार के नशे जाके स्वीट सुपारी के नशे कर, 1.5 रुपए वाले नशे करने की उम्र है भी तेरी? ये थार वाल लफंडर चलाते हैं, अच्छे करोगे बच्चों वाली चीज नहीं है। थार का नशा मुझे थार का बुखार, तबियत। हाँ वैसे 13 साल का बच्चा बिना लाइसेंस के थार को करेगा क्या? चाइल्ड लेबर भी अलाउड नहीं अब तो, जो सफाई का काम देते हैं उसको। तो ठीक है तुम्हारी? नहीं डॉक्टर साहब, बुखार है। अरे वायरल फीवर नहीं है तुम्हें? नहीं। अबे बहनचो, मेरे को तो सच में है, चेक करो आप, सही से बुखार है। अरे ना डेंगू है ना मलेरिया है, कुछ नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई ऐसा स्कोप ले गया हो जिससे थार का बुखार दब सके, मुझे थार का बुखार है। तो उसकी तो फिर वैक्सीन बनवानी पड़ेगी सिस्टर, जरा लैब में वैक्सीन तैयार करवाओ। हाँ। या थार के बुखार की करवा देना इस बार। लेनी मुझे थार, अरे हाँ। जीप न कार, थार का समय है, मुझे थार का बुखार। सिस्टर जल्दी करो यार, थार का बुखार, क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। और आज वाली वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इसमें कहीं भी तुम्हें बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन गेट अ चांस टू विन एन iPhone 14। वो मैं स्किप कर दूंगा। अगर iPhone 14 चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी एक सब्सक्राइबर को 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ iPhone 14। भरोसा नहीं हो रहा इसीलिए वीडियो पूरी देखना। थार का नशा मुझे थार का बुखार, नाम रियाज उम्र है 13। तो मैं क्या करूँ, आधार कार्ड की सारी डिटेल दे रहे हैं। लेनी मुझे थार ना जीप ना कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार, नाम रियाज उम्र है 13। तो देख, पहली बात तो 13 साल की उम्र में चाहे नाम रियाज हो या राहुल गांधी, गाड़ी चलाना इलीगल है, और उसके ऊपर से ऐसे गाने बनाने भी। और अगर मैं तेरे लिरिक्स पे और थोड़ा ध्यान दूं, लेनी मुझे थार ना जीप ना कार, तो तेरे हिसाब से थार एयरप्लेन की कैटेगरी में आती है।
लेनी मुझे पल्सर, ना बाइक ना साइकिल, कोई मतलब है इस बात का? ये मुंह पे थूक देने वाली बात है। रियाज और मेरे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर मेरे सपने कुछ ऐसे अड़ंग बड़ंग गंदे है ना, तो मैं उन्हें अपने अंदर ही रखता हूँ, ऐसे उन पर गाना नहीं बनाता। मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा, मतलब कि घर में इतने सारे बड़े लोग हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी चिरांद हरकतें कर पा रहा है इंटरनेट। मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ी फनी नहीं लग रही पे। और ये सब बातें यहाँ क्या बताने की है? मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा, स्कूल के फैमिली ट्री में जाके लिखे ना। पढ़ने की उम्र में गाने बना रहे हैं, गाने बनाने की उम्र में यहाँ मुखर्जी नगर में भीड़ कर देगा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। सही टाइम पे सही काम नहीं करना क्या कोई? छोटी उम्र में ये सपने हैं बड़े और सारे होंगे पूरे। अगर इसी तरीके से लक्ष्य चौधरी इस पर रोस्ट करता रहा ना, तो उसका करियर वैसे ही बन जाएगा, उसे मुखर्जी नगर जाके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। टेंशन नहीं ले रहा तू, नहीं ले रहा टेंशन, पर दे तो रहा है भाई, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को दे रहा है कि ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हम इधर टोनी कक्कड़ के ऊपर ही रोते रह गए, गाली देते रहे। हाँ वो गांडू चूतिया ही है बहनचो टोनी कक्कड़, तो चलो ये तो सही बोल रहा। टोनी कक्कड़ तो तेरे सामने देव मानुष आदमी है। देख रियाज, ये तेरे अंदर गाने का हिडन टैलेंट है ना, बहुत अच्छा है, पर प्लीज इसको हाइड ही करके रख। कुछ टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए, जैसे रोहित मेहरा वाला। दिक्कत हो गई थी ना उसको जब उसका टैलेंट बाहर आ गया था, मिस यूज कर लिया था, वैसे ही सेम तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं टेंशन नहीं ले रहा, टेंशन क्यों लूं, है थार के सपने, ना डर किसी बात का है साथ मेरे अपने। टेंशन क्यों लूं, है थार के सपने, इसका मतलब अगर मेरा किसी गाड़ी का सपना है, फॉर एग्जांपल वेगनार का, तो मैं जिंदगी में टेंशन लेनी छोड़ दूं। इस गाने में म्यूजिक अच्छा है, मिक्स मास्टरिंग अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, कैमरे वाले ने अपना वर्क एकदम अच्छा किया है, लेकिन रियाज भाई की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी गाने की, उसी में इन्होंने छेड़ दिया। इतना गंदा आगा है, इतना गंदा आगा है कि हार्पिक वाले भी इनके गाने को पैक करके दे रहे हैं अपनी बोतल में कि गाना बजाओ, और जो 0.01% जम्स बच जा रहे थे ना हार्पिक से, वो भी मर जाएंगे कैंसर से। अपने बारे डिटेल में बताऊं तो मोटे मोटे मेरे चार ही तो सपने। इस गाने में सिर्फ सपने ही मोटे नहीं है भाई। अरे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मोटे खर्चे की बात कर रहा हूँ। खर्चा तो बहुत हो गया ना अंकल, के क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा तूने। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि तुम एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 कैसे जीत सकते हो, वो भी एक रुपए में। चैनल को सब्सक्राइब करो, 5,00,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं गिव अवे कर दूंगा। जो लक्ष्य का प्रमोशन है वो हम स्किप कर देते हैं। तो आज 31 मार्च इंडिया के डाउन पाओ मौका, 31 मार्च वाले मैच में आप कितना बड़ा होगा आप पता, अगले मैच में जीत जाओ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके अगर आप डाउनलोड साथ में अपने बारे डिटेल में बताऊं तो। और कितनी डिटेल भाई, तूने तो गाने के नाम लगभग सारी फैमिली जांच पड़ताल सब तो बता चुका ही हो। पे अपनी पूरी फैमिली की प्रिवेसी खराब कर दी। अब मुझे इससे ज्यादा तेरे ओगी के प्रिंट वाले कच्चे का रंग पता नहीं करना, ना 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 मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहला सपना की होगा मेरा बंगलो, सपने तो ले लूं पर मम्मी कहती संभलो। मम्मी कर ली, ये सब करने वाले बच्चे भी बंगलो लेने की बातें कर रहे हैं। ब्रो पहले ना स्कूल से अपनी 5वीं की मार्कशीट ले आ, देख मम्मी कर ली, उसमें ए ग्रेड मिले, बी ग्रेड मिले, सी ग्रेड मिले, उसके बाद करेंगे बंगलो बंगलो लेने की बातें। ये सो के उठ के तू मुझे अपने सपनों की बात मत बताया कर। तू जो सपना के पैसा ही पैसा, पापा का मैं बेटा नहीं ऐसा या वैसा, तीसरा सपना के खाना हो सामने, खाता ही जाऊं भाई के एफसी आंदे। इस आदमी की डिक्शनरी हे भगवान कुछ भी, मैं नीड और शौक नाम की कोई चीज है ही नहीं, लिखी ही नहीं है। इसके लिए सब कुछ सपना है, खाना भी इसके लिए सपना है, खाता ही जाऊं भाई KFC आंदे। अरे भाई इतना तला भुना मत खाया कर, वरना थार का मालिक तो नहीं पर एयरबैग जरूर बन जाएगा। सपना भी पूरा करूंगा, लेनी मुझे थार और मैं लेकर रहूंगा, लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार। पहले बच्चे माँ बाप से सामान की जिद करते थे, उसके बाद ना मिलने पे जाया ज्यादा भूख हड़ताल पे चले जाते थे, रो धो देते थे। बट आजकल बच्चे जिद पूरी ना होने पे एक वेल प्रोड्यूस्ड गाना निकाल देते हैं। ये फैक्ट है। पापा पापा ये टेडी तो पुराना हो गया, मुझे वीडियो गेम चाहिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा पापा, चाहिए वीडियो गेम। अरे मना किया ना, अब क्या लेनी मुझे गेम नहीं मिलेगा अभी। अरे पापा सैम भैया म्यूजिक लगाइए एक बार, मुझे चाहिए वीडियो गेम, ना नेम ना फेम, चाहिए वीडियो गेम, मुझे कोंट्रा का बुखार। पापा वीडियो गेम मनोज साले का फड़ेगा मेरी। कंपोजिशन सही नहीं है इसीलिए समझ नहीं आया, जब अभी ऑटो ट्यून करके डलवाऊंगा ना तब देखियो कैसे डिस करूंगा तुम्हें यूट्यूब पे। सारा टाइम मेरे माइंड में था ना और कोई जीप ना और कोई कार। आजकल लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को बच्चों को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इनसेंसिटिव, इमोशनलेस, अग्रेसिव हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो मारपीट लेना चाहिए, वरना वो बड़े होने के बाद थार के ऊपर गाना निकाल देते हैं। इसने मुश्किल से 18,00,000 रुपए की गाड़ी, और वैसे भी अभी मौका है, आगे चल के अगर वो वाले रूल चुरू हो गए ना
कि कॉल 911 फिर बहुत लंका लगेगी, पीट लो जो पीटना है। शौक दिखाने के लिए 10 लाख रुपए का गाना निकाल दिया। बुद्धि देखो तुम इस हुलुलु की, दो थार के डाउन पेमेंट चली जाती इतने में। होना चाहता हूँ मैं थार पर सवार, तुम लेना मुझे प्यार, बनूंगा रैपस्टार। ब्रो ऐसे गाने बनाएगा तो मुश्किल है फिर थार लेना। दिस सॉन्ग हिट्स डिफरेंट ऑन म्यूट। महिंद्रा वाले ने गाना सुनने के बाद ना थार की बाकी यूनिट्स भी वापस मंगा ली और इस पे डिफेमेशन केस अलग से किया। रियाज भाई आगे से ना अगर तुम्हारा गाने वाने का ये सॉन्ग है करने का, अगर किसी भी गाने में अपना कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना है तो प्लीज उसमें से स्टेप आउट करके दे देना। पहला और आखिरी प्यार थार मुझे भाई, मतलब लिटरली कुछ भी लिख रहे लोग आज की डेट में। इरादे ठीक नहीं लग रहे इसके थार को लेके। देख के भाई साइलेंसर गरम बहुत होता है, मोहब्बत में ज्यादा पागल भी मत हो जाइयो। मेरा पहला और आखिरी प्यार थार, पापा मुझे गाड़ी दिलाते नहीं, कहते बेटा अभी तुम, पापा मुझे गाड़ी दिलाते नहीं, कहते बेटा अभी तुम कमाते नहीं, कमाऊंगा पैसे, कमानी मुझे थार पर महिंद्रा वाले शोरूम पे बुलाते नहीं। श्री आनंद महिंद्रा जी ने 10 पेजों की चिट्ठी में गाली लिख के भेजी है इसको कि शोरूम छोड़, शोरूम के आसपास भी भटक गया ना तो स्कॉर्पियो इनके गियर बॉक्स पे बिठा के रोड ट्रिप कराएंगे। इसको लग रहा था कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ गाने में और ये थार वाले गाने से इम्प्रेस हो गए, महिंद्रा वाले मुझे एक थार गिफ्ट कर देंगे। निकल गई सारी तेज। ये मुझे भी लग रहा है, ये एक्चुअली मुझे भी लग रहा है जी। जिस डायरेक्शन में तू मेहनत कर रहा है ना ब्रो, उसमें ऊंचाइयां चूमना छोड़, थोड़े दिन में लोगों के यहाँ समर सेविल के गड्ढे करने जाया करेगा, वो भी मिस्त्री के साथ एज ए हेल्पर। अब सारा काम अंडरग्राउंड वाले ही करना पड़ेगा तुझे। मेहनत से ऊंचाइयां चूमूंगा, एक दिन उड़ने वाली थार पे घूमूंगा। उड़ने वाली थार, थार से क्या ऑब्सेशन है भाई तुझे, तू ठीक है? अब तक सब ठीक चल रहा था लेकिन अब मुझे लग रहा है तबीयत में कोई तो दिक्कत है तेरी। इसका बस चले ना, ये अपने बाप के प्रॉपर्टी के कागजों से थार के शीशे साफ कर देगा, ये थूक लगा लगा के एक एक बोल्ट धो देगा थार का, ये थार को पेट्रोल से नहीं चलाएगा बल्कि रियल जूस डाल के चलाएगा उसमें। और इसका मुझे अभी कोई डर नहीं है किसी ने थार को कोई गाना बना दिया ना, पर ये गाना सुनने के बाद मुझे डर है कि अगर इसको गलती से इसके घर वालों ने थार दिला दी और वो रोड पे चली और उस पे कोई स्क्रैच लग गया, इसको इमरजेंसी में पकड़ने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, दिल फट जाएगा इसका वहीं। हर सपना मैं पूरा करूंगा, लेनी मुझे थार और मैं लेकर रहूंगा, लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार, लेनी मुझे थार। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो अभी अपने गोलगप्पे के ठेला लगाने, इसके बाद थार बंद कर देंगे वो। और हमें फालतू की मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो यार, लक्ष्य ने कुछ नहीं बोला, कुछ नॉर्मल फैक्ट्स बोले, रिलेटेबल रोस्टिंग बोलते हैं इसको, तो वो करिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता ही है पर हनी सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं, नहीं पता तो जाके बाकी का चैनल देखो पता लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में लक्ष्य नॉट सेड एनीथिंग, ही इज़ परफेक्टली ओके विद दिस। हमें वो ठीक है यार, क्लिक बेट के लिए टाइटल लगा दिया बट इट्स गुड, डिसेंट लगा। वाले हनी सिंह भाई का गाना डिकोड कर लेते हैं। ओके परफेक्ट बज रहा है, ड्रम्स हटा देते हैं, बेस हटा देते हैं। लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार, ना ब्रियास उम्र है तेरा, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा, छोटी उम्र में ही सब वापस हटा देते हैं, सारे होंगे पूरे, मैं टेंशन नहीं ले रहा, टेंशन क्यों लूं, है थार के सपने, न डर किसी बात का, है साथ मेरे अपने। वेरी नुन्नू टचिंग परफॉर्मेंस, सॉरी किडनी टचिंग। रियाज तुमने सच में रॉक कर दिया, सच में तुमने मेरा दिमाग रॉक कर दिया। हाँ मेरा दिमाग तुमने रॉक कर दिया पत्थर, अब मैं सोचने समझने लायक नहीं रहा। थैंक यू। देखिए आई एम सॉरी भाई साहब, आप अगर थोड़ा पहले ले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। कैंसर? नहीं नहीं कैंसर नहीं, पैरालिस? नहीं वो भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ कि केस बच नहीं सकता? देखिए थोड़ा धीरज रखिए, आपके बच्चे को थार का बुखार हुआ है। सही लेता ना यार ये भी। और यार मेरे को ना हैरानी इस बात पे होती है कि साले फेक न्यूज बनाने वाले जो चैनल है ना काफी कुछ बना देते हैं यार। ठीक है कंटेक्स्ट के तौर पे उसने अपना नाम यूज करा, इट्स ओके यार, मुझे नहीं लग रहा अभी भी नींद तक आ रही इस बात पे। अगर मेरे को सीरियसली लग रहा होता ना लक्ष्य ने कुछ करा है ऐसा उल्टा सीधा, कुछ हनी सिंह के बारे में बोला है, अभी तक मैं लंका लिशका देता लिटरली, गालियां दे दे के सुझा देनी थी मैंने। बट ठीक लगी यार वीडियो, इट्स फॉर फन, सिंपल नॉर्मल रोस्ट है, अच्छा लग रहा है, बीच बीच में हंसी भी आ रही है।
अरे काका भाई, मान रहा हूँ कि यार आपके नए गाने नहीं चल रहे अब इतने, पर अब ऐसे साइड रोल में आने लगोगे तुम रीजनल सॉन्ग्स में। कमिंग बैक गया कब था भाई तू? और तू है कौन? अपने पहले गाने में कमिंग बैक कौन बोलता है? क्या क्या जरूरत है? लेकिन खैर तू बोल सकता है, जो जिम के अंदर राइफल उठा के घूम रहा हो गाने की शूटिंग में, उसके दिमाग से मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता जिम्मेदारी वाला काम। जिम के अंदर रैंडम लड़का राइफल उठा के घूम रहा है, जिम के अंदर एक रैंडम लड़की नाच रही है, जिम के अंदर गाने का शूट चल रहा है, बस जिम के अंदर एक्सरसाइज नहीं चल रही। कलयुग, घोर कलयुग। और पक्का ये इस लड़की को ये तो बता के लाए होंगे गाने की शूटिंग है, पर ये नहीं बताएगा कि ये गाना कौन से लेवल पे जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आने वाली थी उसके बाद। ये क्या है, किस दुनिया के लोग है ये? तो क्या करूं मैं इस पुख्ता जानकारी का? मैं हूं लक्ष्य चौधरी और मैं गैंगस्टर भी नहीं हूं, बना दिया मैंने ये गाना। इससे अब तुम्हें क्या मिला बताओ? कोई शिक्षा मिली या कुछ फायदा हुआ जीवन में? किसी ने दो रोटी दे दी खाने को ये सुनने के बाद, या फिर डेयरी वाले ने एक लीटर दूध फ्री दे दिया? हूं मैं यूडी, ओके यूडी हूं मैं गैंगस्टर, हूं मैं यूडी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी कि इस गाने का नाम है गैंगस्टर यूडी। सिंगर यंगस्टर यूडी, डायरेक्टर यंगस्टर यूडी, स्पॉन्सर्ड यंगस्टर यूडी, लिरिक्स यंगस्टर यूडी। अबे तू सच में लिरिक्स से लिख रहा था, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हुए गाना बना दिया। गैंगस्टर यूडी, गैंगस्टर यूडी, हाँ मैं गैंगस्टर यूडी। फ्रॉम नोवेयर इस गाने में बीच बीच में काका भाई आ जाते हैं, वो लड़ाई करते रहते हैं, पता नहीं किल इसने टोनी का कड़ भी पार कर दिया बैंचोत लोगों के साथ। क्यों ये इन्होंने गाना बना दिया? लड़ाई करने के लिए इन गानों के शूट्स में इन्हें खेती क्यों मिलते हैं? कभी लोगों से भरा हुआ इलाका नहीं मिलता? कहीं बंजर ऐसे बीहड़ में जाके लड़ाई कर रहे हैं क्या? गाने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। गाने में एक ही बात हो रही है कि ये गैंगस्टर यूडी है। योगी जी को बताऊं एक बार, पहले के सिंगर्स एक सिचुएशन पे, एक लाइफ एक्सपीरियंस पे, एक माहौल पे गाना लिखते थे, फिर उसका म्यूजिक बनाते थे, कंपोजिशन बनाते थे। अब गैंगस्टर यूडी पे लिख रहे। और आज के सिंगर्स का तो बस नाम ही काफी है, नाम कोई कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, हो गया। लता मंगेशकर जी के तो एक गाने में से इनका पूरा करियर निकल जाएगा। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं यार, ठीक लगी वीडियो ओवरऑल, जाके लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओरिजिनल वीडियो का। मुझे ओवरऑल ठीक लगी, ऐसे इतना वो नहीं था कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई हो। ठीक है यार, टाइटल के लिए या थंबनेल के लिए हनी सिंह भाई का रेफरेंस दे दिया, क्योंकि वो लड़का भी कुछ रैप वैप ही कर रहा था, तो अगर इंडिया में रैप की बात होगी तो हनी सिंह की बात तो होगी होगी, क्योंकि पप्पा ऑफ रैप तो हनी भाई हैं हमारे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंट लगी मुझे वीडियो, अच्छा काम किया लक्ष्य ने, डिसेंट रोस्ट करा। हाँ ये है कि मेरे को इतनी वीडियो नहीं, मैं जल्दी रोस्ट वीडियो से इतना ज़्यादा खुश नहीं हो पाता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हाँ मतलब पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब कहीं ना कनेक्ट नहीं होती, तो शायद मेरा हंसने वाला रिएक्शन वो ज़्यादा ना देखने को मिला हो आपने, बट ठीक लगा, इट वॉज ओके, बिकॉज मेरा माइंड सेट यही था कि अगर लक्ष्य ने कोई आलतू फालतू बकरचंदी करी है हनी भाई के बारे में तो फिर देख लेंगे, बट नहीं, ठीक है, डिसेंट वीडियो थी यार। एंड मेरे को इतना समझ में आता है कि यार कुछ ही रोस्टर्स हैं इंडिया में जो सेंसिबल हैं, अब जैसे लक्ष्य चौधरी हो गया, एक वो फुद्दू आप्पा भी तो है, मैं उसका नाम लूँगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक देने लग जाती है अगर उसको को रोस्ट कर दे तो, आजकल दे रही है ना किसी न किसी को स्ट्राइक वो लड़की, क्या नाम है, टिकटॉकर थी पहले, फिर टिकटॉक बंद हो गई, वॉन अभी दीपिका पादुकोण डुप्लीकेट, क्या नाम है उसका, फुद्दू आप्पा कुछ ऐसे ही करके नाम है, तो पता नहीं उसका, देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, विल सी यू इन अनदर वीडियो बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच।